आज हम काफी बढ़िया फेस पैक बनाएंगे। इसके लिए एक चम्मच आप चावल का आटा ले लीजिए, आधा चम्मच इसके अंदर आपको शहद डालना है और इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको कच्चे दूध का यूज करना है। दूध अगर आपको सूट नहीं करता तो इसमें आप गुलाब जल डाल लीजिए। शहद सूट नहीं करता तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। गुलाब जल भी अगर आपको सूट नहीं करता है तो सिर्फ इसे आप पानी में घोलकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा जो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये फेस पैक बना के तैयार करा है। इसे आपको अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाना है। थोड़ा सा मोटी लेयर में ही लगाइए, एकदम पतला पतला मत लगाइए। इसे रखे हुए 5 मिनट का समय हो जाए, उसके बाद हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। मसाज में बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि चावल का आटा जो रहता है ऑलरेडी थोड़ा सा दरदर रहता है, एकदम फाइन पाउडर की तरह नहीं रहता है। उसके बाद आपको इसे 10 मिनट और रखना है, उसके बाद इसे आप अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका फर्क नजर आता है। इसे आपको डेली लगाना है, 15 दिन इसे आप डेली लगाइए। उसके साथ में इसे भी आपको यूज करना है। मैंने 2 चम्मच चावल को 50 ml पानी के अंदर भिगो के रखा था। अच्छे से मैंने पहले चावल को मसल कर धो लिया था। धोने के बाद ही आपको इसे भिगोना है, कम से कम 4 से 5 घंटे। टाइम ज्यादा है तो इसे ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हैं। एक दूसरा पाउ ले लीजिए, छलनी लगाकर इसे आपको पूरा छानना है। इसमें हमें चावल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सिर्फ छानना है। इस चावल को आप खाना बनाने के अंदर यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा पानी निकला है इसे स्प्रे बॉटल में आप डाल दीजिए। इस पानी को आप फ्रीज के अंदर 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, और फ्रीज में ही आपको इसे रखना, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो इसमें खट्टी स्मेल आ जाएगी। उसके बाद इसे लगाने के बाद दिन में 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार आपको अपना फेस धोने की जरूरत महसूस हो उतनी बार इसे आप स्प्रे कर लीजिए। 15 दिन तक दोनों रेमेडी अगर आपने ट्राई कर ली तो काफी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके स्किन में नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।